मगर आज मैं आपको रेसिपी ऐसे मोटे मोटे तरीके से बता एंड देन यू आर गुड टू गो एंड मेडिटेट करें यहाँ पे ध्यान को ला के। सो बहुत सारे दोस्त बेचारे यही सोच रहे हैं कि मेरी सेहत खराब, सबको ना गैस से थोड़ा साइड कर। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। वो वाले दोस्त जिनको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनना अच्छा लगता है या फिर साग अच्छा लगता है, आज हम बातचीत करेंगे लाइफ अपडेट के बारे में। बट उसमें सिर्फ बातचीत ही नहीं करेंगे, हम कुक भी करेंगे, कुक विद जमी। एक्चुअली कल ना मैं वॉक करने के लिए गई थी एंड मुझे वहाँ से मिला बाथू, बथुआ बोलते हैं जिसको बहुत सारे दोस्त, सो मैं लेके आई हूँ। एंड जब वो आता है फिर मुझे साग बनाना पड़ता है फॉर सम रीजंस। ये समर के मौसम में ना बाहर अचानक से ये वीड जैसे बाथू हो जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेश। एंड देन उसको लेके आती हूँ, फिर मैं साग की चीज़ें लेके आती हूँ एंड साग बनाते हैं। सो जल्दी से क्विक से शॉपिंग करने के लिए चलते हैं एंड साग लेके आते हैं, देन बाकी की बातचीत लेटर करेंगे। लेट्स गो। ओके दोस्तों, सो साग आ चुका है एंड ये है साग के पत्ते। रिपीनी लीफ यूज़ करने वाली हूँ आज मैं। वैसे ना यहाँ पे देसी सरों भी मिल जाती है इंडियन ग्रॉसरी से, पर मेरे पास टाइम नहीं था इंडियन ग्रॉसरी जाने का, क्योंकि जो हमारे घर के पास वाली है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम पे नहीं मिलती है, थोड़ा दूर है वो ग्रॉसरी स्टोर जहाँ से इंडियन सरों मिलती है, वो नहीं मैं गई। सो मैं इसमें डालूँगी सरों, और नॉट सरों, रपीनी लीव्स एंड पालक। पालक को मैंने कर लिया है, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है ताकि ना बातचीत हम ज़्यादा करेंगे। बाथू जो कि मैं कल फ्रेश लेके आई थी एंड ब्रोकली भी ऐड करती हूँ। बस सही वाली इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, उसके बाद हम इसको स्लो कुक करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो साग है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। एंड जब मैं स्लो कुक करती हूँ तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अब मैं कुक करना शुरू करने वाली हूँ। 5 ऑलरेडी बच चुके हैं, पर आज नहीं हम खाएंगे, हम कल खाएंगे। पर मुझे था कि आज मैंने ये काम करना शुरू किया है एंड बाथरूम में कल लेके आई थी, एंड जब बाथरूम आता है तो अगले दिन मुझे कुक करना ही होता है। मैं नहीं चाहती कि फ्रिज में ये चीज़ें पड़ी रहें एंड फिर बेकार हो जाएँ। जितना जल्दी आप फ्रेश यूज़ कर लो उतना ही अच्छा है। सो इसको हम करेंगे, जल्दी से इसको कट करके कुकर में ऐड करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे कुक होता रहेगा एंड बातचीत करेंगे। अगर आप बहुत सारे दोस्तों के एक्चुअली मैसेज आ रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ, वीडियो क्यों नहीं शूट कर रही, सो उन क्वेश्चंस के बारे में बातचीत भी करेंगे। एक्चुअली मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की थी, अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो ज़रूर से पूछे, मैं उसका आंसर दूंगी। सो उनके भी आंसर हम अभी दे देंगे। ये पौधा मैंने ना पानी दिया था तो यहीं पर पड़ा है, पता नहीं है ना मुझे थोड़ा उदास भी लग रहा है। सो या इसको थोड़ी देर यहीं पर रहने देते हैं, कटिंग का काम शुरू करते हैं। अगर आज मैं आपको रेसिपी ऐसे मोटे मोटे तरीके से बताऊंगी, रेसिपी कुछ खास नहीं है, आपको साग को अच्छी तरह वॉश करके काटना है, काट के आप इसको स्लो कुक होने देंगे, सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ ऐड कर देते हैं। जब आप इसको स्लो कुक करते हैं आप इसमें गार्लिक ऐड कर सकते हैं, जिंजर एंड हरी मिर्ची खूब सारी। जब ये अच्छी तरह कुक हो जाता है फिर हम इसको कोटते हैं, कोटने से फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत सारे लोग ना मशीन में क्रश कर लेते हैं एंड जो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा चटनी जैसा हो जाता है। इससे ना बड़ा देसी सा टेक्स्चर आता है, जो मुझे लगता है साग का टेक्स्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नहीं ज़्यादा साग की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आई डोंट नो आपको चाहिए या नहीं, पर अगर चाहिए तो ये बता रही हूँ। सो उसके बाद सिर्फ तड़का लगाना है, सिंपल। आप देसी घी में लगा सकते हैं, हम सरसों के ऑयल में लगाते हैं। सिर्फ अनियन गार्लिक ऐड कर लें दोबारा से, अनियन गार्लिक एंड मिर्ची का, आज तो यही करेंगे, अगले दिन हम टमाटर भी ऐड कर लेते हैं। एंड आज तड़का तुड़का नहीं लगाऊंगी, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपका फिनिश प्रोडक्ट साग का दिखाया जाए। एक और चीज़ बताना चाहती थी साग के बारे में, अगर आप साग की रेसिपी देखना चाहते हैं, सिर्फ रेसिपी, मेरी फालतू बातें नहीं सुनना चाहते, तो मेरे कुकिंग चैनल पर इसकी रेसिपी ऑलरेडी है, सिमर एंड कुक, एंड आप देखें एंड साग बनाए एंड खा लें। ये सारी जो मेरी कन्वर्सेशन है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। मैंने ना किसी की वीडियो में कमेंट देखा कि तुम ना कम की चीज़ कट बताते हो और फालतू बातें बहुत बताते हो, सो उन दोस्तों के लिए है ये। बेसिकली ये जो वीडियो है ये कुक विद मी है एंड बहुत सारी फालतू बातें भी हैं। सो क्या करते हैं, सबसे पहले कुकर रख देते हैं गैस के ऊपर। गैस
गैस को ऑन कर देंगे और इसमें पानी ऐड कर देते थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत स्पीड के साथ काम करती हूँ. जो ज़्यादा लंबा समा चीज़ लेती है साग के डंडियों को क्लीन करने के लिए, वो हो चुका है. सो अब हम तेज़ी से काम कर लेंगे. सो मैं एक गिलास लेती हूँ, इतना पानी डाल देते क्योंकि लेटर आप पानी निकाल भी सकते हैं. जब आपका साग कुक हो जाएगा आप पानी निकाल दें. स्पेशली अगर आपका साग आपको कड़वा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी निकाल के फ्रेश पानी ऐड कर दें, उससे साग की कड़वाहट मुक जाती है, गवाच जाती है. सो मैंने नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें. पहली गल से शुरू करते हैं कि इतने दिन से मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रीज़न सोचा जाए. सोचते हैं कुछ मज़ेदार रीज़न. बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ फ़िलहाल. बस मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने वीडियो इतने दिनों से इसलिए अपलोड नहीं की. वैसे मैंने इसके दौरान काफ़ी बार वीडियो शूट करने की कोशिश की, इवन मैंने शूट भी किया है जो मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा है, पर मैं अपलोड नहीं कर पाई और बहुत ही मज़ेदार बैठ के वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाई. उसके पीछे रीज़न है, आपने मेरे कुछ लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा समय ध्यान करने में स्पेंड करती हूँ. ध्यान की शुरुआत एक्चुअली मैंने की थी कि ध्यान बहुत अच्छा काम है, आप प्रोडक्टिव फील करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों आप में चेंज होती हैं एंड आप ज़िंदगी को जीने का नज़रिया डिफरेंट होता है, आपकी सेहत अच्छी होती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं. पर एक हिडन फ़ायदा है और भी जो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली है, जब तक मुझे पता चला. सो रिसेंटली मुझे पता चला कि ये जो मेडिटेशन है वो सिर्फ आपकी ये भौतिक ज़िंदगी के लिए नहीं है, पर और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए है. सो जब मुझे वो पता चला तो फिर मेरी ज़िंदगी थोड़ी चेंज होगी और मेरी ज़िंदगी का मेन मोटिव ध्यान करना हो गया. आई डोंट नो, मैं आपको बहुत ज़्यादा खोल के कब बता पाऊँगी, फ्यूचर में बताऊँगी कि कैसे करें, क्या करें और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है. अभी नहीं बता सकती हूँ कुछ भी, पर या बहुत मज़ेदार चीज़ें हुई मुझे फील एंड हो रहा है मेरे साथ. तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो जाता है वो मेडिटेशन में जाता है, ध्यान में. बहुत सारे दिन मैं दिन में मेडिटेट करती हूँ 5-7 बार 10 बार, और रात में उठ के भी करती हूँ 3-4 बजे. इस दौरान वीडियो नहीं शूट अपलोड नहीं कर पाई, मुझे लगा कि ये जो मैं कर रही हूँ या जो मेरे साथ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें से निकल के वीडियो नहीं अपलोड कर पाई. वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, अपलोड करना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, पर फिर भी मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं किसी और मज़ेदार ज़िंदगी में बिज़ी थी. अभी भी हूँ, पर फिर भी मैं लगा कि यार अब मैं अपलोड कर सकती हूँ. मैं थोड़ा सा डिफरेंट फील कर रही हूँ, पहले मैं किसी और जॉनरा में चली गई थी, अभी भी मैं उसमें हूँ. आई डोंट नो कब एक्सप्लेन कर पाऊँगी. जो भी दोस्त ये स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में है वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ नहीं कहते हुए भी. पर या यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मुझे ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत पीसफुल हूँ एंड सब कुछ खूबसूरत हो गया दोस्तों, एंड मेरी सेहत भी है. आपको एक और चीज़ बताऊँ, मुझे ना दवाई खाने का याद नहीं रहा कुछ हफ्ते पहले, एंड फिर मैंने खाई नहीं. ऐसे निकलते निकलते 50+ डेज हो चुके हैं, एंड रब की दया से एंड इस अध्यात्म की दुनिया की दया से मेरी सेहत भी ठीक हो चुकी है, काइंड ऑफ. मैंने एक बार भी रूमेटॉइड का अटैक नहीं हुआ है दवाई छोड़े होने के बावजूद भी. अभी आई थिंक कमिंग मंथ में अगस्त के मिड में मेरे सारे टेस्ट होने वाले हैं दोबारा से. मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड टेस्ट होगा, एक्सरे होंगे, तो देखेंगे कि मेरी डिजीज़ कैसे है. पर या ये स्पिरिचुअलिटी मेरी डिजीज़ को इतना हेल्प कर रही है कि मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई है एंड काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स भी नहीं खाए हैं, पर आई एम रियली गुड. सो या यही चल रहा है मेरी जिंदगी में. अगर आप सोच रहे हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होगा, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली ये मिस्टीरियस तो है, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे, आई डोंट नो. सो यस, कटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि फिर मैं बातें करती हूँ तो बातें करते रह जाती हूँ एंड फिर मेरी चीज़ें हो जाती हैं लेट. जल्दी से कटिंग करते हैं. एंड मैं सिंक के एरिया में ना बड़ा सा भांडा रख लेती हूँ जिसमें मैं अपने साग को एक बार फिर से वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे मैंने बहुत बार बताया है कि जब मैं पत्तों का कुछ करती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है कि उसमें मिट्टी होगी, क्योंकि इतनी मेहनत से कुक करते हैं एंड मिट्टी का एक भी कण आ जाए तो चीज़ें हो जाती हैं डिस्ट्रॉय, जो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए. सो इसलिए क्या करेंगे, वॉश करेंगे, बहुत बार वॉश करेंगे. ये पानी गर्म हो चुका है, इसको सिम कर देते हैं एंड एक बड़ा भांडा लेंगे चीज़ों को बार बार वॉश करने के लिए. वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्तों को काटने के बाद वॉश ना करें, पर मैं फिर से भी करती हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा ना दिमाग ऐसा है कि किरक नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में भी,
पत्तों में भी। सो ब्रोकली मुझे लगता है कि सबसे आसान है, सो उसी को सबसे पहले वॉश करके डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। सो मैं बेसिकली सारा ही क्राउन ऐड कर देती हूँ ब्रोकली का, सिर्फ एंड वाला थोड़ा सा हार्ड पार्ट नहीं करूँगी क्योंकि फिर क्या कहते हैं उसको, जब हम कोटेंगे उसमें अच्छी तरह होगा नहीं। बाकी ऐसे ही काट के हम सारा इसको साग में ऐड कर देंगे। सो अगला काम पालक को करने का करते हैं। इसमें जो बहुत ही मोटे हैं सिर्फ उनको ही हम निकालेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। सो फिलहाल हिम्मत की समर वेकेशन चल रही है एंड हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों चले गए पार्क एंड हिम्मत के दूसरे दो नेबर फ्रेंड्स भी गए हैं। सो पालक भी केस बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है तो इसको बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं, मोटा मोटा काटेंगे तो चलेगा। सो डंडे वंडे सब जाएंगे, वॉश ज़रूर से करें बहुत ध्यान से। ओके सो कोई आ गया था मेन डोर पे। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है जब कोई आ जाता है, मैंने कुछ गैस पे रखा होता है आई थिंक, वो बोल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्यों नहीं आप सोलर पैनल लगवा लेते। मैं क्या प्रावा, मैंने कहा कि मैं नहीं डील करती हूँ इन चीज़ों से, मेरे पति करते हैं तो उन्हीं से बात करना। कह रहा कि उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनको बुला दो। मैं कहा प्रावा घर पर नहीं है, बाद में आना। कहना चंगा दीदी फिर कल आएंगे, ऐसे नहीं कहा उसने। कह रहा कि ओके वेलकम बैक। साग को बनाने का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है साग को काटना, तोड़ना, सवारना, खूबसूरत बनाना या ऐसे सजा सजा के रखना। बाकी चीज़ें मुझे लग रहा है कि कोई कुछ मैजिक नहीं आपको डालना पड़ता है, वो हर कोई कर सकता है, बस क्लीन करने का काम होना। तो एक बार फिर से धो लूँगी मैं। पालक मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री वॉश हो चुकी है, जिससे मैं काइंड ऑफ खुश हूँ। अब इसे भी हम ऐड करेंगे हमारे प्रेशर कुकर के अंदर, जिसे मुझे पता नहीं आप देख पाएंगे या नहीं क्योंकि ये जो लाइट है ये वॉश आउट कर देती है कैमरे की सारी फुटेज को। तो मैं क्या करती हूँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर देना शुरू करते हैं थोड़े थोड़े। क्या सबके आंसर देंगे, आई डोंट नो, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोगों के आंसर दिए जाए क्योंकि कई क्वेश्चन बड़े क्यूट होते हैं। ओके सो मुझे ऐश ने पूछा है कि आप विंटर्स में अपने रूमेटॉइड के सिम्टम्स को कैसे डील करते हो, क्या कोई स्पेशल मेडिकेशन खाते हो या बायोलॉजिकल्स लेते हो। सो मैं उनको बताती हूँ कि फ़िलहाल मैंने आपको बताया ना, मैंने मेडिकेशन नहीं खा रही हूँ, पर सम विंटर्स भी नहीं है फ़िलहाल। बट क्या है कि जब मैं मेडिकेशन खा रही थी तो विंटर्स में मैं सिर्फ मेरी मेडिकेशन ही खाती हूँ। सप्लीमेंट्स भी मेरे नॉर्मल जो मैं रेगुलरली खाती हूँ, जैसे ओमेगा 3 हो गया एंड जिंजर गार्लिक भी खा सकते हैं एंड कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स भी। मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स खाती हूँ, आप ज़रूर से देखें। और उसके बिना कोई और स्पेसिफिक चीज़ मैं नहीं करती हूँ एंड मैंने की भी नहीं है, बस ये। एंड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि जब आपका माइंड थोड़ा सा कंट्रोल होता है तो आपके सिम्टम्स भी अंडर कंट्रोल हो जाते हैं। और मैंने बहुत बार देखा है कि जब आप स्ट्रेस होंगे और आपको कोई भी बीमारी है वो थोड़ा डबल ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि किसी भी डिजीज़ को बीमारी को स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। जब आप स्ट्रेस होंगे वो बहुत हैप्पी फील करती है वैसी बॉडी में, तो मेडिटेशन ज़रूर से करें। हस्बैंड का मैसेज आया है कि उन्हें कोई फ्रेंड मिला है पार्क में, वो साग उसके साथ भी शेयर करेंगे। मैंने उनको बताया कि शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, बट ही सैड नो दे गॉट लाइक इट। दैट्स द स्टोरी अबाउट हस्बैंड शेयरिंग फूड विद रैंडम पीपल।
सो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दोस्तों ने मेरा हालचाल ही पूछा है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कंसर्न है कि मेरी सेहत ठीक है या नहीं, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। एंड अब किसी का मैसेज आया है रूप कौर का, उन्होंने कहा है कि आप अपना ना योगा रूटीन हमारे साथ ज़रूर से शेयर करें। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई योगा नहीं करती हूँ। आई विश कि मैं करूँ तो फिर आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। योगा आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। आई होप कि मैं फ्यूचर में थोड़ा सा सियाना बंदा बनूँ एंड योगा करना शुरू करूँ, बट सो फार आई एम नॉट डूइंग इट। दैट्स एक्चुअली बैड। आई विश कि मैं आपके साथ कुछ मज़ेदार शेयर करती, बट देर इज़ नथिंग टू शेयर। ओके सो अनदर क्वेश्चन लेते हैं, कोई प्यारा सा। सो किसी ने कहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया से कैनेडा क्यों मूव हो गए। कैनेडा हम मूव हुए थे 2012 में। सो 2011 में हमें रेजिडेंसी मिली थी। एक्चुअली मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने सेम टाइम पे रेजिडेंसी अप्लाई की थी, और कैनेडा की रेजिडेंसी हमें मन लादा 7 मंथ्स में मिल गई थी। तो हमने सोचा कि चेक करते हैं जाके कि कैसा लगेगा हमें। पहले पहले हमें ठीक ठाक लगा, बट लेटर हमें कैनेडा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगना शुरू हो गया। सो हम फिर ऐसे रह गए। एंड या ऐसे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है या एवे, पर लाइक 12 साल हमें पीआर मिली थी। सो या साग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, इसीलिए जब मैं ना कोई वेजिटेबल लेके आती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि उसी दिन कुक हो जाए ताज़ी ताज़ी। एंड आज ये सुपर स्टोर में ना कई फ्रेश वेजिटेबल आई थी वैनकूवर से, बीसी से, क्योंकि आजकल मौसम अच्छा है ना, तो करेले, भिंडी एंड किया, सो काफ़ी कुछ आता है। साग को इसमें ऐड करेंगे। कई दोस्तों ने कहा है कि मैं ना उनको घी घर में बनाना सिखाऊं। मैंने ना कई मेरी वीडियोस में इसकी रेसिपी शेयर की है। रेसिपी कोई मुश्किल नहीं है। सो रेसिपी बहुत आसान है। आपको अनसॉल्टेड बटर चाहिए जिसको आप गरम करें। जब वो उबलता है तो उसको स्लो कुक करें। धीरे धीरे स्लो कुक होते होते घी अलग हो जाएगा एंड जो बाकी फालतू सामान है वो अलग हो जाएगा। पर वो फालतू सामान जो बचता है ना मावा, उसको भी आज ही कल मैं यूज़ करके बर्फ़ी या कोई डिज़र्ट बना लेती हूँ। बहुत अच्छा बनता है। लास्ट टाइम मैंने ना सिंपल से लड्डू बनाए थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं बातें बताना चाहूँगी कुछ। एस्ट्रोलॉजी मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा ना देखूँ, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैंने किसी की एस्ट्रोलॉजी बोल देख के किसी को कुछ बोला एंड वो चीज़ें सच्ची होगी, स्केरी वाली। एंड फिर मैंने बहुत डर लग गया कि मैं एवं अंधविश्वास फैला रही हूँ। अंधविश्वास नहीं, लाइक डरा रही हूँ। एंड आई डोंट नो। एंड एस्ट्रोलॉजी ना आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी बना देती है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ें तो प्लान्ड है, ऐसे ही होगा। सो इसलिए मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को एक बार देख लें आप, एंड रोज़ रोज़ मत देखें। एक बार देखना चाहते हैं कि क्या है, सो अच्छे किसी बंदे से देख लें, कोई लालची बंदा ना हो, एंड देन यू आर गुड टू गो। ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी मत देखें, क्योंकि फिर ज़्यादातर ह्यूमन की नेचर है कि उसे ब्लेम करने के लिए एक बंदा चाहिए। अगर उसको एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगी कि मेरी किस्मत में चीज़ें ऐसी ही होंगी, तो फिर तो वो कुछ भी नहीं करेगा, राइट? सो या एस्ट्रोलॉजी में भी एक्चुअली 3 डिफरेंट किस्म के कर्मा होते हैं। एक तो डिसाइडेड है, जो कि बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते, दृढ़ है, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होंगे, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। एक होते हैं जिसमें थोड़े उपाय करेंगे, थोड़े ईष्ट की मदद लेंगे, कुछ देवता की मदद लेंगे, या फिर आप जिसको भी मानते हैं उनकी, भगवान की मदद लेंगे, वो चेंज थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं एंड आपको सहने के काबिल बना सकते हैं। एंड तीसरे कुछ इस तरह के कर्मा हैं जो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे करते हैं। वो बिल्कुल अनप्लान्ड है, वो सीधा आप ही डिसाइड करते हैं। सो वो पेजेस खाली हैं, सो खाली पेजेस को भरने की टेंशन ले, बाकी जो चीज़ें होनी है वो तो होनी ही हैं। सो साग का प्रेशर कुकर पार गया, इसको थोड़ा स्पीड करते हैं ताकि थल्ले बह जाए सामान।
सो जब तक साग थोड़ा थल्ले बंधा है तब तक एक और क्वेश्चन देखते हैं कोई प्यारा सा। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं एंड मैं उनकी ज़िंदगी की पॉजिटिव डोज हूँ एंड प्लीज़ वीडियोस अपलोड करूँ मैं। थैंक यू सो मच। जो भी दोस्त मुझे मिस कर रहे हैं जैसे मोनालिसा है, निधि है, मोनू है, मिस सचदेवा, डॉली शर्मा एंड नवजोत, नाव, दमनप्रीत, कमल, मंदीप, जसप्रीत, थैंक यू सो वेरी मच। जो दोस्त भी मुझे मिस कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एंग्जाइटी को कैसे डील करें और मैं एंग्जाइटी को कैसे डील करती हूँ। एंग्जाइटी एक्चुअली हमारा हिडन ट्रॉमा ही होती है जो यू नो सरफेस पे आता है। सो इसको डील करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम उपाय है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन लाइक आपको लगेगा कि वो जब एंग्जाइटी हो रही है मेडिटेट कैसे करें, पर मेडिटेशन धीरे 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 हेल्प करेगा एंड एंग्जाइटी छुप जाएगी गाइस। एंड एंग्जाइटी का सरफेस लेवल पे आना ही एक तरह का साइन है कि अब आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। पर अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब है तो आप प्लीज़ स्पेशलिस्ट से मिलें, किसी यू नो स्पेशलिस्ट की मदद लें कि कैसे चीज़ों को डील किया जाए। इसे इग्नोर मत करें क्योंकि चीज़ें ऐसे देखते देखते ही कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। सो टेक इट सीरियसली। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन का सहारा लें। आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसी और दुनिया में खो जाएंगे एंड ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सारा कुछ अपने आप ही डील हो जाएगा। सो बहुत सारे दोस्तों ने स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी में शुरुआत कैसे करें। सो स्पिरिचुअलिटी में शुरुआत करें इससे कि आप देखें कि आपको कौन सा पाथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक कौन सा रिलीजन या कोई भी रिलीजियस पाथ। अगर आप रिलीजियस नहीं हैं तो सिर्फ यूनिवर्स में बिलीव कर सकते हैं, पर अगर आप रिलीजियस हैं और एक्चुअली अंदर से भाव आपके अच्छे हैं उस रिलीजन को लेके, तो आप उनमें विश्वास करें एंड उनका नाम लेके नाम जपा शुरू करें। अगर आप हिंदू हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ देवता की ऑप्शन है कि कौन से देवता के साथ आपका अटैचमेंट है। अगर आप शिवा के साथ अटैच हैं तो शिवा के बहुत सारे नाम हैं। अगर आप कृष्णा के साथ अटैच हैं तो उनके बहुत सारे नाम हैं। उनके नाम जप से शुरू करें, सिर्फ आपको उनका नाम जपना है एंड देखें कि आप कितना नाम जप सकते हैं। आप माला यूज़ कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप किन को चूज़ करते हैं, उनके हिसाब से उनकी पसंदीदा माला लें, 108 बार उनका नाम पढ़ें एंड नाम पढ़ने के बाद ध्यान करें 5 मिनट, लाइक मेडिटेट करें, बिल्कुल शांत हो जाएं, आंखें बंद कर लें, ये वाली मुद्रा बना लें एंड मेडिटेट करें। यहाँ पे ध्यान को लाके सांस से आप देखें कि आप सांस कैसे लेते हैं, कैसे आती है, कैसे जाती है, 5 मिनट। इस 5 मिनट में अगर 5-10 सेकेंड भी आपका अच्छा मेडिटेट हो गया, दैट्स इनफ। सो इसी तरह इसको बढ़ाते रहें, शुरुआत इससे करें। अगर आप वाहेगुरु में यकीन करते हैं तो माला में वाहेगुरु 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 करें, जो हमारे वो कड़े नहीं मिलते जिसमें मन के होते हैं उसको लेके, ताकि आप का रूटीन बने और ये चीज़ एवरी डे करें। इसी तरह आप स्पिरिचुअलिटी के साथ शुरुआत करें। अगर लेटर आपका कनेक्शन बन जाता है या फिर ये जो सुपर पावर्स हैं उनको आप अच्छे लगते हो और आपको वो अपनी भक्ति में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वो आपको साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको वैसे लोग मिल जाएंगे, आप वैसे सत्संग ज्वाइन कर लोगे या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। सो देखेंगे कि क्या होता है, बट आप फिलहाल जिसको भी मानते हैं उसको लेके नाम जपा शुरू करें एंड थोड़ा सा ध्यान करें, दैट्स इट। सो बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ों से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करें। लेटर भगवान आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जैसे मुझे साग ऐड करना है फिलहाल। ओके, सो बहुत ज़्यादा दोस्तों ने यही कंसर्न दिखाया है कि मेरी सेहत ठीक है। बहुत सारे दोस्त बेचारे यही सोच रहे हैं कि मेरी सेहत ख़राब है, पर सेहत ख़राब नहीं। मुझे लगता कि मैंने मेरे YouTube पे कभी भी इतना देर ब्रेक नहीं लिया है जब से मैंने शुरू किया है। बात तो आध हफ्ता होता था कि नेक्स्ट वीक मैं अपलोड कर देती हूँ, पर नहीं हो पाया मुझसे, आई एम सॉरी। ऐसे मैंने सोच के नहीं किया, बस ऐसे हो गया। शूट तो मैं करती थी अपलोड करने के लिए, बट नहीं अपलोड कर पाई। सो या विल गो विद फ्लो, राइट गाइस। सो
दोस्तों हमारे पास लास्ट खूबसूरत इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ये सारा तामझाम किया गया है, बाथू। इसको काट लेते हैं। मैं ना सिर्फ पत्ते ऐड करने वाली हूँ और कुछ भी नहीं। एंड या इसको बारीक काट लेंगे। ये जो बाथू होता है ना, ये थोड़ा स्ट्रांग चीज़ है, स्ट्रांग पत्ता है और इसका फ्लेवर साग को ब्यूटीफुल बना देता है। तो मैं थोड़ा बारीकी काटती हूँ क्योंकि लेटर कूटने में आसानी आएगी। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों, मुझे साग खाना नहीं पसंद है पर मैं अपना साग खा लेती हूँ क्योंकि इतनी मेहनत ना, इतनी प्यार ना बना दिया। मुझे पता है कि इस बंदी ने मेहनत की है, सो मैं अपना खा लेती हूँ और किसी का भी नहीं खाती हूँ। मैं अपनी मम का भी नहीं खाती हूँ साग। बाकी बनने आए थे साग, बहुत ही मेनू ख़राब लग गया। मेरी मम्मी वैसे अच्छा बनाती हैं बट आई डोंट ईट। इसी तरह क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी काइंड ऑफ ख़त्म होता है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जो मुझे लगा कि यूनिक है एंड डिफरेंट है। बाकी बहुत सारे दोस्तों ने, प्यारे दोस्तों ने मेरा ही हाल चाल पूछा है। यानी क्यूटी पाइज हैं आप लोग, कोई यही चिंता है बेचारी ठीक तो है। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों। सो बाथू। तो मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक, हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक एंड लाल मिर्ची भी ऐड कर दी है। तो इसे बंद कर देंगे अब थोड़ा सा मिक्स करके, देन वी आर डन। स्लो कुकर। ये यहाँ पे मेरे पीछे है आफ्टर मैथ किसका, साग बनाने का। सो इसको क्लीन करना शुरू करेंगे। ओके। वैसे ना जब भी मैं साग बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है ये काउंटर बिल्कुल क्लीन हो, क्योंकि जब वो क्लीन होता है तो उसको क्लीन करना आसान हो जाता है क्योंकि फिर साग की अकेली मैस है, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा और मैस हो जाती है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से सफाई शुरू करें। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा घर थोड़ा साफ़ सुथरा हो एंड फिर नहीं हो पाता है। सो जल्दी से 5-7 मिनट लगाते हैं, इसको क्लीन करेंगे, देन मैं थोड़ा चिल करूँगी सुकून में। तो कल हमें ना भूख नहीं थी और हमने डिसाइड किया कि आज नहीं खाएंगे। सो मैंने नहीं किया कुछ भी। सो आज करते हैं, साग का तैयार हो चुका है, अब इसको कोटेंगे हम। हमने नूडल्स बनाए थे कल थोड़े से। साग को कोटने के लिए ये प्यारी सी मदानी यूज़ करूँगी मैं। सो जिसको प्रॉमिस किया था उनको भी आज मिलेगा साग। मक्की के आटे को अच्छे गर्म पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद अल्लन ऐड करेंगे क्योंकि फिर लम्ब्स नहीं बनते हैं एंड ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। वैसे मेरी मम्मी ऐसे डालती रहती हैं, एक हाथ से मिक्स करती रहती है जो कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए हम बाहर ही मिक्स कर लेंगे। सो दो बड़े स्पून करेंगे फर्स्ट, पानी के साथ इसको पेस्ट बना लेंगे। सो जिनको हमने साग देने का प्रॉमिस किया था उनको भी हमने बता दिया कि आज हम अद्दा ही प्रोसेस करेंगे, बाकी कल करेंगे एंड कल ही मिलेगा आपको भी। सो अब कोटने के बाद, मिक्स करने के बाद अच्छी तरह तड़का लगाएंगे खूबसूरत सा, देन हम साग को डिलीवर करेंगे जहाँ पे भी हमने प्रॉमिस किया था। सो मैं ऐसे बहुत ही प्यारा स्मूथ सा पेस्ट बना लेती हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। अब इसको हम ऐड करेंगे। साग को ना गैस से थोड़ा साइड कर लेते हैं क्योंकि छिट्टे पड़ने शुरू हो जाते हैं चेहरे पर। Thank you.
कोट दिया है मैंने इसको, थोड़ा गर्म होने देते हैं एंड तड़के की तैयारी करते हैं। एंड मक्खन भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मक्खन के बिना हम साग खाते नहीं है। फिलहाल मुझे भूख नहीं लगी है पर फिर भी मक्खन बना के रख लेते हैं। एंड जिसको भी मैं डिलीवर करूँगी उसे मक्खन भी ऐड किया जाएगा। जल्दी से मक्खन बनाते हैं। मक्खन के लिए बेसिकली मैं 35% क्रीम यूज़ करूँगी। इसको सिर्फ थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रख लें एंड फिर मिक्स कर दें मिक्सर में डाल के, जब तक मक्खन नहीं निकल जाता इजी। पर इसकी रेसिपी की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी अगर आप देखना चाहें तो। इसका तड़का बहुत बेसिक होने वाला है, सिर्फ अनियन, गार्लिक, ग्रीन मिर्ची क्योंकि स्पाइसी अच्छा लगता है, पर मैं जिंजर भी ऐड करूँगी क्योंकि कुक होते समय मुझे नहीं लगता मैंने इनफ ऐड किया है। इसका तड़का सरसों के ऑयल में लगाएंगे। पंखा चलाना पड़ेगा। इतने दिनों के बाद कहाँ से आए हो? बहुत एक्साइटेड है साग खाने के लिए। आटा गूंद लिया मैंने, एनु करांगे पत्ती को खुश करेंगे। पत्ती ने मुझे बताया कि उनका इतना मन नहीं था साग खाने के लिए। एनी मेहनत मैंने फालतू में की गाइस। बोला मैंने ना हस्बैंड को बोला है कि थोड़ा ना यहीं पर रहो और मेरी मदद कर दो कुक करने के लिए, लाइक कुछ ना कुछ करने के लिए। कह रहे नहीं मैं जाके सजता हूँ। फिर सज गए, मूली ला के सज के बह गया प्यारी। आज तेन लस्सी नहीं मिली। इस बंदे के लिए साग और मक्की की रोटी बना रही हूँ। 2 दिन हो गया मैंने गाइस, 2 दिन इसी काम में लगी हुई हूँ। सो दिस इज मूली अनियन एंड ग्रीन चिली। नॉर्मली बहुत सीरियसली 2 दिन थोड़ी ना साग, पूरा दिन लगदा। राती शामी शुरू कीता ते अगला दिन चढ़ गया। चलो फिर हुन रिजल्ट दा टाइम आ गया, थोड़े परीक्षा दा टाइम आ गया। परीक्षा नहीं रिजल्ट, रिजल्ट परीक्षा दे इम्तिहान। पास करिए फेल करिए तेनू कुड़िए दस। खाओ बहु दसो
ਗੱਲਾਂ ਫਾਲਤੂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਓਕੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਉ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਨੀ ਇੰਨੀ ਆਂਟੀ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸਣਦੇ ਹੋ। ਹਾ 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 ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਮਾਈਂਡ ਬੋਗਲਿੰਗ ਬੋਗਲਿੰਗ ਵੱਲਾ ਵੱਲਾ ਹੀ ਆ। दोस्तों तो इसी तरह आज का वीडियो होता है फिनिश। कुक विद मी लाइफ अपडेट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर से करना। एंड आपके हालचाल क्या है, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी कमेंट बार में ज़रूर से छोड़ें। मैं हमेशा हर कमेंट को पढ़ती हूँ एंड मेरी कोशिश भी होती है कि सारे कमेंट्स को रिप्लाई किया जाए। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ अपलोड करूँ एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर मैं अभी कर नहीं सकती हूँ जब तक मुझे कोई अलाउ नहीं करता है। पर फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि आप लोग भी इस बात पे चल पाएँ। सो या यस, थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बटन वहाँ पे है लाल रंग का, उसको क्लिक करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, ये बिल्कुल फ्री है। एंड यस, कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर से करना, अपने बारे में कुछ बताना कि आपकी ज़िंदगी में नया क्या चल रहा है। मैं आपको कुछ और मेरे बारे में चीज़ें बताऊँगी फ्यूचर में एंड उससे भी मुझे लगता है बहुत सारे दोस्त रिलेट कर पाएंगे। एंड यस, जल्दी करूँगी, वो शेयर कर दूँगी। मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो वो हो या उससे अगली, जल्दी ही आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएंगी। सो यस दोस्तों, वीडियो को थम्स अप भी दे देना अगर आपको ये अच्छा लगा है। एंड क्या आपको साग खाना अच्छा लगता है ये भी मुझे बताना। मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर जब मैं बनाती हूँ फिर मैं खाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल बनाती हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते।